बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी यूट्यूबर हैं, छोटे हों या मिलियन उनके सब्सक्राइबर हों, सबके यूट्यूब चैनल ख़तरे में। अगर आप लोगों ने ये काम किया हुआ है तो आप अपना ज़रा ध्यान दें, कहीं आपकी 100-200 वीडियो में आपकी भी जो इस तरह के मामला तो नहीं हुए। वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। यूट्यूब ने बड़ा ऐलान कर दिया, यूट्यूब की नई अपडेट्स आ गई और पहले हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। यूट्यूब ने कहा है कि अगर कोई शख्स यूट्यूब चैनल चला रहा है और उसने अपनी 2-4 वीडियो जो हैं वो अपलोड की हुई हैं और उसको अनलिस्ट पर लगाया हुआ है, उसको पब्लिश नहीं किया हुआ और जो है वो अनलिस्ट पे रखा हुआ है, वो 2 दिन पहले की है, 10 दिन पहले की है, 20 दिन पहले की है, कईयों की एक एक साल हो गया, उसने 5-6 की थी अभी भूल गया हुआ है और वो उसको पिछली वो अनलिस्ट जो वीडियो की हुई थी उसको याद नहीं है। आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा अगर आप लोग अपने पूरे चैनल को दोबारा से देखें। अगर 1000 वीडियो है तो उसको जाके पेज को देखें, पिछला पेज करें, शुरू से लेके एंड तक, यानी कि शुरू से लेके अब तक की जितनी वीडियो हैं सारे पेज उनके देखें, कहीं आप में उसमें आपकी एक भी वीडियो जो है वो अनलिस्ट तो नहीं है। लोग 5-5, 6-6 कर देते हैं, फिर आस्ता आस्ता थंबनेल लगा के उसको पब्लिश करते हैं, तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये मैं गुजारिश करूँगा, अगर आप लोग अपने चैनल को एक मरतबा ज़रूर देख लें, चाहे आप छोटे यूट्यूबर हैं या बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो आप दोनों सूरतों पे अपने चैनल को ज़रा रिव्यू करें। आप देखें कि आपकी कोई भी वीडियो जो आपको हो सकता है याद भी ना हो, आप पता भी ना हो, यूट्यूब ने ऐसा सॉफ्टवेयर अपना नया अपडेट कर दिया जो सिर्फ यही काम देख रहा है कि जिन लोगों ने अनलिस्ट किया हुआ है और इसको पब्लिश नहीं किया हुआ तो उनके चैनल ब्लॉक किए जा रहे हैं, उनको वार्निंग दी जा रही है। तो अब इस चीज़ से बचें, सिर्फ बचाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग बड़ी परेशानी से बच सकें। अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और जब अनब्लॉक कर दिया जाता है तो फिर आप लोग उनसे चैटिंग भी नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखें।